नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विविध विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूलन कौशल्य और शिक्षक की भूमिका पर। मैं मीनाक्षी इंगोले, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय। जब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तो वो कक्षा कक्ष में किस तरह अपनी भूमिका बनाए रखते हैं, किस तरह अपना एक पहचान बनाए रखते हैं, किस तरह अपने एक स्थान बनाए रखते हैं। अगर वो कक्षा कक्ष में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं या अपने दूसरे छात्रों के साथ, सहपाठियों के साथ अगर वो घुल मिल नहीं रहे हैं, शिक्षक जो उनको बता रहे हैं उसे वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं पर उनकी अनुकूलन में कमी महसूस होती दिखाई देती है। ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिए या बच्चों के लिए कुछ अनुकूलन कौशल्य विकसित करना एक बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर होती है। वैसे देखा जाए तो ये छात्र, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो छात्र या बच्चे हैं, ये थोड़े दूसरे बच्चों से थोड़े से अलग से रहते हैं। अगर ये थोड़े अलग है और उनको अगर अनुकूलन करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको क्लास में समावेशन करने के लिए, कक्षा में समावेशन करने के लिए अगर हम उस तरह का वातावरण क्लास में या कक्षा में निर्माण करें, तो उससे काफ़ी हद तक छात्र क्लास में एकरूप हो जाते हैं। तो अगर हमें उनको क्लास में अंतर्क्रियात्मक करने के लिए अगर हमें एकरूप करना है, अगर उन्हें हमें एडजस्ट करने के लिए कुछ कोशिश करनी है, तो क्या वो सारी कोशिशें क्या होगी। और ये जो विविध विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनसे संबंधित कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण उनका अनुकूलन कौशल्य अधिक अच्छे से विकसित होगा। जब हमने बात की विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों की, तब हमने बात की थी कि जो ये छात्र होते हैं वे विभिन्न प्रकार से विशिष्ट आवश्यकताएं रखते हैं। जैसे कि शारीरिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं, कुछ मानसिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं, किसी किसी का कक्षा में समायोजन करने में काफ़ी समय लगता है, कुछ मंद बुद्धि वाले या हम कह सकते हैं मेंटली चैलेंज वाले जो छात्र होते हैं, उन्हें काफ़ी अनुकूलन करने के लिए दिक्कतें आती हैं। तो ये जो दिक्कतें होती हैं, ये कौन सी दिक्कतें होती हैं, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इससे संबंधित हम अधिक जानकारी अब लेंगे। अनुकूलन आकलन समायोजन के को संदर्भित करता है। सामग्री, छात्रों की ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए पाठ्यचर्या या कक्षा पर्यावरण, इसीलिए वह भाग ले सकता है और शिक्षण सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो अगर शिक्षण सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो छात्र को कक्षा कक्ष में अनुकूलन करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा कक्षा कक्ष में शिक्षण एवं अनुकूलन की, तब कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है। अगर छात्र सुनने में कठिनाई रखते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक की भूमिका इसमें क्या होगी। तो सबक के पहले, मतलब कक्षा में पाठ शुरू करने के पहले, हमें पूर्व शिक्षण कठिन शब्दावली और अवधारणाओं की तरफ थोड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा। ये जो पहला मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे मनोविज्ञान शास्त्र से आता है, जिसमें डेविड ओसुबेल ने हमेशा कहा है कि पहले छात्र का पूर्व ज्ञान देखा जाए और पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाए। तो अगर हम इस तरह का कोई प्रयोग हमारे कक्षा में करते हैं, जब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, सुनकर सीखने में स्पेशली कठिनाई होती है, तब उस समय हमें पूर्व शिक्षण में जो कठिन शब्दावली या कुछ कठिन शब्द है, उनकी अवधारणाओं के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले छात्र को भी उद्देश्य स्पष्ट हो। जिस तरह शिक्षक एक उद्देश्य लेकर छात्र में प्रवेश करता है, उसी तरह छात्र को भी शिक्षण के पीछे जो उद्देश्य है, अधिगम के पीछे जो उद्देश्य है, वो पता होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि यह वो अपने छात्र को समझाए कि हम ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसे हमें क्या समझना है, उसे हमें क्या
उसे हमें क्या आकलन करना है, ये अगर हमें पता पहले ही हम अगर छात्रों को बता दें तो उनकी सुनने की जो समस्या है वो थोड़ी हल हो जाएगी। सुनने में मानसिक गतिविधियों को पढ़ना, मानसिक नोट लेने, पूछताछ और समीक्षा करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जब छात्र सुनने में समस्या रखता है तो उस समय उसके जो नोट लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भी थोड़ी मंद हो जाती है और वो प्रश्न भी बीच बीच में नहीं पूछता क्योंकि उसे सुनने में ही बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। उसके साथ अध्ययन गाइड वर्कशीट प्रदान करना, अगर छात्र सुनने में अक्षम हैं तो उसे दूसरे माध्यमों द्वारा हम उनको कक्षा में समाविष्ट करा सकते हैं, जैसे अध्ययन गाइड या वर्कशीट प्रदान करना जिसमें वह जो खुद उसे पता है या नहीं पता है वो चीज़ें वो इनकम्प्लीट रखेगा, जो चीज़ें पता है उसको कंप्लीट कर देगा। फिल्म की लिपि प्रदान करना, अगर छात्र सुनने में कठिनाई रखता है तो उसके लिए दूसरे जो अधिगम कौशल या अधिगम उपागम है उसके आधार पर अधिगम या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, जिसमें से एक है फिल्म की लिपि प्रदान करना। फिल्म की लिपि प्रदान करने से वो केवल सुनने की अगर उनकी अक्षमता है तो वो देख कर भी अपनी चीज़ों को ज्ञात कर पाएंगे और समझ पाएंगे। फिर उसके बाद व्याख्यान रूपरेखा प्रदान करना, अगर छात्र सुनने में अरुचि रखता है या उसे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तब व्याख्यान की रूपरेखा प्रदान करना यह शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये इसमें शिक्षक बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से होगी, जैसे सबसे पहले प्रस्तावना होगी, फिर प्रस्तावना के बाद शिक्षक उस प्रस्तावना का कुछ स्पष्टीकरण करेंगे, प्रस्तावना का स्पष्टीकरण करने के बाद उसका कुछ हम एक बार बीच में प्रश्न पूछकर थोड़े जो इजी वाले प्रश्न होते हैं वो पूछकर हम छात्र को कितना समझ में आया उसका आकलन कर लेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसे समझ लेंगे और फिर उसके बाद छात्र को जो ज्ञान छात्र को व्याख्यान द्वारा मिला है उसका आकलन छात्र अपने शब्दों में किस तरह करता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो व्याख्यान की रूपरेखा प्रदान करना, इसमें छात्र का एक माइंडसेट बन जाता है जिसमें उसे पता होता है कि किसके बाद क्या होने वाला है और उस तरह से वो अपना ध्यान जो है वो अध्ययन के प्रति देने लगता है। उसी के साथ पाठ के दौरान भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब छात्र सुनने में अक्षमता रखता है तो उसके दृश्य माध्यम का उपयोग कर हम उनको अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें कि बोर्ड या ओवरहेड माध्यम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, फ्लैश कार्ड का उपयोग किया जाता है। फ्लैश कार्ड के उपयोग के माध्यम से छात्र सुनने के बजाय वो चित्र देखकर उसकी अवधारणा करने लगते हैं, उस अवधारणा से वो समझने लगते हैं और फिर उसको वो आकलन करना उसी चीज़ों का आकलन करना भी शुरू करते हैं। छात्र को अपनी आंखें बंद करके उन्होंने जो जानकारी अभी देखी है उस जानकारी को एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए कहा जाएगा, जिसके कारण छात्र अपने मन ही मन में और धारणा द्वारा उस चीज़ को और अच्छे से अपने स्मरण में रखेगा। छात्र को नोट्स लेने और हाईलाइट करने के लिए रंगीन मार्करों का उपयोग कराना चाहिए। कुछ चीज़ें जिसे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह शब्द जब मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ तब मुझे लग रहा है ये शब्द मेरे लिए काफ़ी नया है या मुझे ये शब्द काफ़ी अलग सा लगा है, तो उस समय हमें उस शब्द को नोट्स लेते समय उसे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब वो फिर से पढ़े तब उस चीज़ को और अच्छे तरह से
हाईलाइट कर पाए या उसे और उस चीज़ पे और अच्छे तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। उसी के साथ जो उनका विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को बहुत अलग अलग तरह से छात्र तक पहुँचाए, जैसे उसको पूरा एक साथ ना बताते हुए कुछ और शिक्षण के अधिगम का उपयोग करें, जैसे छोटे छोटे चरणों में उसका स्पष्टीकरण दें ताकि उनकी जो सुनने की क्षमता है उस सुनने की क्षमताओं का भी यहाँ पर अच्छे से उपयोग हो। क्योंकि ऐसे होता है जो छात्र सुनने की अक्षमता रखते हैं उनका जो सुनने का स्पैन होता है, जो सुनने का जो एक कक्षा होती है वो काफ़ी सीमित होती है, बहुत ज़्यादा समय वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा समय तक वो सुन नहीं पाते। अगर इस तरह बहुत सीमित सुनने की क्षमता रखने वाले छात्र हैं तो आपके विषय वस्तु को भी उसी तरह छात्र के सामने रखना चाहिए ताकि छोटे छोटे चरणों के द्वारा स्पष्टीकरणों के द्वारा वह सुनकर उसे उस चीज़ों को समझ सके। अगर छात्र सुनने में अक्षमता रखता है तो उसके लिए लिखित और मौखिक दिशा दर्शन प्रदान करना चाहिए, जैसे कि अधिगम की कुछ शैलियाँ होती हैं जिसे कहते हैं इंग्लिश में लर्निंग स्टाइल। सबकी अधिगम शैली विभिन्न होती हैं, कुछ छात्र होते हैं वो लिखकर समझते हैं, कुछ छात्र होते हैं वो किसी से मौखिक रूप से संवाद कर या बहस करके या वाद विवाद करके समझते हैं। तो ऐसे इस तरह की अगर कोई कक्षा में घटनाएं की जाए या इस तरह से अगर हम छात्र को मौखिक और लिखित रूप से विषय वस्तु प्रदान करने का एक अवसर दें तो शायद उनकी जो समझ है विषय वस्तु के प्रति वो और अधिक स्पष्ट होगी। अगर छात्र कुछ चीज़ें समझने में समस्या रखते हैं या उन्हें दुविधा होती है तो जो उन्हें समझा है या उन्होंने जो सुना है जिसका उन्होंने कुछ श्रवण किया है उस चीज़ों को दोहराने का उनको निर्देश दे ताकि इससे पता चलेगा कि जो शिक्षक ने उन्हें चीज़ें बताई है वही चीज़ें उन्होंने समझी है या नहीं समझी है। कक्षा को निर्देश देते समय प्रत्येक चरण के बीच एक विराम छोड़कर छात्र को अपने दिमाग में प्रक्रिया करने के लिए एक समय प्रदान करें ताकि इससे छात्र एक विराम लेकर उस पर अपना एक सोच बनाकर उससे फिर वो आगे बढ़ें। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि छात्र को एक बीच में एक छोटा सा एक विराम देकर छात्र को जो चीज़ें उसने सुनी है उस चीज़ों सुनी हुई चीज़ों पे अपनी अवधारणा बनाए या फिर उसके उसे और अपने एक बार उसको अच्छे तरह से आकलन कर ले, समझ ले। अगर नहीं समझ में आया तो वो प्रश्न के माध्यम से शिक्षक को फिर से पूछ सकते हैं। उसी के साथ लिखित और मनोरंजन कार्य को प्रदान करना। छात्र अगर श्रवण में अक्षमता रखते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें लिखित कार्य और मनोरंजन कार्य के द्वारा चीज़ों को समझाया जा सकता है, जैसे कि नाट्यकरण द्वारा या फिर कोई दूसरी गतिविधियों द्वारा छात्र कक्ष में सम्मिलित होकर अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, जिसे कहते हैं सिमुलेशन या फिर हम कहते हैं अनुदेशात्मक अध्ययन। उस अनुदेशात्मक अध्ययन द्वारा छात्र जो है वो सुनने के बजाय श्रवण के बजाय मनोरंजन और लिखित माध्यम के द्वारा भी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर छात्र मौखिक रूप से ज्ञान और समझने में कठिनाई होती है तो उसे पूरा करने के लिए हमें निम्नलिखित चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर छात्र बोलने में थोड़ी उसे समय लग रहा है, उसके पास की जो वोकैबलरी है वो उसे कम लग रही है तो उस समय बहुत ज़्यादा चीज़ों को दृश्य माध्यम से उनके सामने दिखाया जाए ताकि उनकी मौखिक रूप से आने वाली जो कठिनाई हो उसके ऊपर
वैसी चुनौतियों को हम ओवर कम करके, हाँ, जो ज्ञान हमें उन तक पहुंचाना है वो हम सही मात्रा में उन तक पहुंचा सके। सूचना साझाकरण के वैकल्पिक रूप को स्वीकार करके, जैसे कि निम्नलिखित रिपोर्ट है, कलात्मक निर्माण है, प्रदर्शन या प्रदर्शन चार्ट्स हैं, कोई आलेख है या तालिका है, फोटो निबंध है, मानचित्र है, फिल्मों की समीक्षा है, पेंटोमाइज़म है, प्रदर्शन फिल्म स्ट्रिप है या ध्वनि फिल्म स्ट्रिप है या टेप रिपोर्ट्स है, तो उसके माध्यम से हम श्रवण पर, जब हम बात करें कि मौखिक रूप से समस्या या अक्षमता जिन छात्रों छात्रों के सामने एक चुनौती के रूप में आती है, तो उस समय हमें उनके श्रवण पर अधिक ध्यान देना चाहिए और उनके क्रियात्मक कौशल के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है या अधिगम शैली है, जो अक्षम है मौखिक रूप में ज्ञान को एकत्रित करने के लिए, लेकिन वो पूरी हो सकती है श्रवण के माध्यम से या कोई भी दूसरी गतिविधियों के माध्यम से। यहाँ पर भी हमें शिक्षक को यह ध्यान में रखना है कि छोटे उत्तरों की आवश्यकता वाले प्रश्न पूछें। उन्हें मौखिक में अगर समस्या आ रही है तो प्रश्न ऐसे ही पूछें जिसके उत्तर केवल एक या दो शब्दों से अधिक ना हो, ताकि वो अपना उन्हें एक अवसर भी मिले बात करने का, एक अपना एक जो उन्होंने समझा है उसको प्रस्तुत करने का एक मौका भी मिले, और उसे बहुत ज़्यादा उसे उन्हें इलैबरेट भी ना करना पड़े, उन्हें बहुत ज़्यादा उसका विस्तार भी ना करना पड़े। एक सांकेतिक प्रदान करना, जैसे कि छात्र के लिए वाक्य शुरू करना या चित्र क्यों देना, मतलब पहले हम शुरू करें एक वाक्य और फिर उसे कंटिन्यू कर रहा है छात्र, तो इसके द्वारा उन्हें एक क्यू मिल जाएगा, उन्हें एक आधार मिल जाएगा जिसके कारण वह आगे बढ़कर अपने जो मतलब बतानी जो उन्हें स्पष्ट करना है या जो उन्हें उन्हें जो समझ में आया है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या उन्हें वो स्पष्ट करना चाह रहे, उसका वो विस्तृतीकरण देना चाह रहे, तो वो आसानी से दे पाए। वर्ग चर्चा के नियम के लिए नियम देना, जैसे कि अगर हम कोई अगर कक्षा कक्ष में अगर हम मूल्यांकन करने के लिए या उनका आकलन करने के लिए अगर हम कोई खेल द्वारा हम वो आकलन कर रहे हैं, तो पहले उन्हें नियम का ज्ञान देना अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो नियम के जो जो खेल के जो नियम हैं उन्हें बहुत अच्छे तरह से उन्हें उनसे अवलोकित कराना या उन्हें उनसे परिचित कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए उन्हें कहना है कि अगर आपको कुछ कहना है या फिर आपको कक्षा कक्ष में खेल में अगर आपको सहभाग लेना है, तो आपको पहले आपका हाथ उठाना होगा और फिर उसे पता चलेगा शिक्षक को कि आपको कुछ कहना है, और फिर आपको एक मौका मिलेगा आपका जो मत है या आपका जो व्यू है वो पूरी कक्षा के सामने रखने के लिए। उसी के साथ मौखिक योगदान के लिए अंक देना, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको एक एप्रिसिएशन, उनको एक प्रबलन के रूप में अगर कुछ गुण दिए जाते हैं तो उन्हें उससे वो प्रोत्साहित होते हैं, इसीलिए मौखिक योगदान अगर वो करते हैं तो उन्हें उसके लिए कुछ अंक प्रदान करना और छात्र को व्यक्तिगत रूप से तैयार करना। इसी के साथ कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए छात्र को पढ़ाना या छात्र को उसके लिए तैयार करना, छात्र अधिक से अधिक प्रश्न किस तरह पूछे, उनके अंदर जिज्ञासा की वृत्ति जो प्रवृत्ति है वो कैसे निर्माण हो जाए, तो उस तरह का वातावरण कक्षा कक्ष में निर्माण करने में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है, जिससे ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो छात्र है वह भी अपना योगदान पूरी तरह से दे पाए। उसी के साथ अगर शिक्षक और विशिष्ट रूप वाले बच्चों के साथ अगर अध्यापक अगर इंटरेक्ट कर रहा है, उनके साथ वह अंतर्क्रिया कर रहा है, तो तभी विशेष रूप से शारीरिक और भाषा अभिव्यक्ति शिक्षण का यहाँ पे बड़ा सहयोग है। यह इसलिए है क्योंकि जब छात्र अगर बोलने में अक्षमता रखता है तो हाव भाव के द्वारा उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन से अभिभाव है उस अभिभाव के द्वारा अपनी बातों को रख सकता है।
जैसे अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है तो वो हंस देगा, या अगर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है तो उसके चेहरे पर वो दिखाई देगा। तो मौखिक रूप से अगर अभिव्यक्त होने के बजाय वो जो जेस्चर्स हैं, उसके जो चेहरे के जो हाव भाव है, उसके द्वारा वो खुद को अभिव्यक्त करेगा, जिसमें कम से कम उसे शब्द का सहारा लेना पड़े। उसी के साथ छात्र को जवाब देने का इंतज़ार। अगर छात्र को जवाब देने का इंतज़ार, ऐसे नहीं कि मैंने प्रश्न पूछ लिया और उसके तुरंत बाद ही मैं छात्र से जवाब चाह रही हूँ, अगर इस तरह अगर करें तो छात्र शब्दों की रचना करने में अक्षम रहेगा। वो छात्र जो मौखिक रूप से जिन्हें समस्याएं आती हैं या अक्षमता होते हैं अक्षम होते हैं छात्र, उन्हें अपनी शब्दों की रचना करने के लिए काफ़ी समय दें, ताकि वो अपने विचारों को संगठित कर पाए और अच्छे तरह से वो पूरी कक्षा के सामने रख पाए। अपने हाथों को उठाने के लिए छात्र को फोर्स न करें, उन्हें बार बार न कहें कि आपको बताना है, आप हाथ ऊपर करके बताइए। अगर वो हाथ ऊपर न करके ऐसे ही अगर खड़े होकर या बैठे बैठे भी अगर कोई प्रश्न का उत्तर दे, तो उसे शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए। इसी के साथ पहले सूचना स्तर देने वाले तथ्यों पर प्रश्न पूछना, मतलब प्रश्न की जो गति होती है उसे सामान्य से फिर विशेष के रूप में यहाँ पे हमें ले जाना है। पहले पहले बहुत ही सरल सरल प्रश्न पूछने हैं, फिर हमें जो प्रश्न की जो काठिन्य स्तर है या जो काठिन्य लेवल है उसे बढ़ाना चाहिए। तो पहले सूचना स्तर देने वाले प्रश्न पूछने हैं और तथ्यों को वापस उन्हें पूछना है, फिर उसे छोटे समूह में फिर बड़े समूह में बोलकर छात्र को प्रश्न से अवगत कराना है। जैसे पहले उन्हें मौका देना है कि पहले वो छोटे समूह में बात करें, फिर उन्हें बड़े समूह के सामने अपना जो विचार है वह रखने का मौका दें। अगर छात्र लिखित सामग्री पढ़ने में रखता है तो क्या करना चाहिए? अगर छात्र को लिखित सामग्री पढ़ने में कठिनाई होती है तो पहले छात्र को जो उसके पहले वाले जो सामग्री है, मतलब पहली कक्षा वाले सामग्री है, उससे पहले अवगत कराएं। मतलब उसी का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पे पहला मुद्दा लिखा है कि निचले स्तर पर लिखे गए पाठ को ढूंढना, और फिर सरलता से फिर पहले सरल एक सीढ़ी चढ़कर फिर उसकी कठिनाई जो है वो बढ़ानी चाहिए। इसलिए नीचे निचले स्तर के पाठ के ऊपर पहले उसका ध्यान केंद्रित करें, फिर उसके बाद उनसे ज़्यादा जो ऊंचा स्तर है उसके ऊपर हम छात्र का ध्यान केंद्रित करा सकते हैं, या वह वहाँ पे वो कठिनाई जो है छात्र के विषय वस्तु की वो बढ़ा सकते हैं। हाईलाइट की गई सामग्री प्रदान करना। अगर लिखित रूप से अगर लिखित सामग्री पढ़ने में अगर कठिनाई आ रही है, तो अगर पहले ही हाईलाइट की गई सामग्री जिसमें जो अक्षर हो वो थोड़े बड़े उसमें पैमाने में लिखे हो, उसके नीचे अंडरलाइन की गई हो, उन्हें कोई और कलर या आकार से दर्शाया गया हो, तो अगर इस तरह से अगर हमने उसमें बदलाव लाएं तो वह जो चित्र है या वो जो लिखित सामग्री है वह प्रदान करने में उन्हें कठिनाई नहीं होती। छात्र के पाठों को टेप करना। अगर छात्र लिखने में कठिनाई रखता है तो यहाँ पर उनके पाठों को टेप करना या उनको रिकॉर्ड करके लेना, यह एक आसान तरीका है। सहकर्मी या माता पिता के सामने वो पाठ रखें, एकदम तुरंत ही आकर कक्षा में ना रखें, और माता पिता के सामने या सहकर्मी के सामने पहले वो अपने विचारों को या भावनाओं को रखें, और फिर इस तरह से हम उन्हें एक मौका दें कि वो बड़े समूह के सामने अपना मत जो है वो प्रदर्शित करें। आवश्यक पढ़ने पर जो है मात्रा को छोटा भी करें। एक माध्यम के द्वारा भी हम उन्हें, जैसे कि फिल्म है, फिल्म स्क्रिप्ट है, टिप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके जो विषय वस्तु है उसमें उनके जो विचार है वो टिप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं।
अगर वो कोई चित्र या वो खुद कोई नाट्यकरण करके वो जो विषय वस्तु है उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें उनको एक मौका देना है। छात्र के लिए समूह में योगदान करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को प्रदान करना चाहिए, जैसे कि नाट्यकरण द्वारा, जिसका अभी हमने जिस चर्चा की, पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। आवश्यक विषय वस्तु पढ़ने के लिए उन्हें एक तो उसे छोटा करना चाहिए, अगर नहीं छोटा हो सकता है तो उसे छोड़ ही देना चाहिए। एक पृष्ठ सारांश या अध्ययन मार्गदर्शिका को प्रस्तावित करना जो पढ़ने के असाइनमेंट के रूप में और विचारों और शर्तों की पहचान कराए, जिसके कारण छात्र जो सारांश है उसे अच्छे तरह से सामने कक्षा कक्ष में अच्छे तरह से सामने रख पाए। छात्र को अपना विचार, अपना भाव, अपनी भावनाएं कक्षा कक्ष में रखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है और उसे दिलचस्प बनाने के लिए भी बहुत अलग अलग विभिन्न अधिगम उपागमों का उपयोग या गतिविधियों का उपयोग करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अधिक ठोस चित्रों और जोड़ों का उपयोग करना, नए विचारों की मात्रा को कम करना, अगर वो खुद होकर नए विचारों की मात्राओं को यहाँ पे लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। नई अवधारणाओं के संदर्भ के रूप में पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद अनुभव प्रदान करना, अगर वह उन्हें कोई अवधारणा पता है कोई नए संदर्भ के संदर्भ में, तब उन्हें वो पहले मौका देना चाहिए कि उन्हें क्या पता है। अगर उन्हें पता है तो वो अपना विचार उसमें रखे, फिर उसके बाद पढ़ा दिया जाए उन्हें नया संदर्भ, फिर उसके बाद उन्होंने क्या समझा और उनका जो पहला वाला जो अनुभव था, पहला अनुभव और पढ़ने के बाद वाला अनुभव, अवधारणा होने के बाद वाला अनुभव, इन दोनों अनुभवों में तुलना कराई जाए ताकि उन्हें उसमें विचार करने का एक मौका मिले। उद्देश्यों को बनाते हुए पिछले अनुभवों के संबंधित और छात्र को पढ़ने में इससे मदद भी मिलती है। अगर छात्र स्पष्ट रूप में लिखने में कठिनाई रखते हैं तो उन्हें लिखने में कठिनाई रखने वाले छात्र के लिए हमें कुछ और सुझावों की ज़रूरत होगी। इसमें छात्र शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिनमें लिखने में कठिनाई हो रही है, तो उन्हें लिखने में कठिनाई होने हो रही है तो उन्हें स्क्रिबलिंग गेम के द्वारा अक्षरों को छोटे माध्यम में लिखने के साथ अक्षर के बजाय चित्र के माध्यम से वो अपने विचारों को यहाँ पर रख सकते हैं। अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो अपने विचारों को रिकॉर्ड कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर में या कंप्यूटर में, या फिर उनके जो उन्होंने जो उन्हें जो विषय वस्तु मिली है उस विषय वस्तु में उन्हें जो नए शब्द लग रहे हैं या जो उन्हें बहुत अलग से शब्द लग रहे हैं उसके नीचे वो एक अंडरलाइन खींच सकते हैं या बीच में एक मार्कर का उपयोग करके वो एक नया एक उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर वो खुद लिखित रूप में अगर वो व्यक्त करने में उन्हें कठिनाई हो रही है तो 3D सामग्री के आधार पर, मानचित्र के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर, कोलाज या हम कार्टून बना उनसे बनवा कर हम उनसे चीज़ों को समझ सकते हैं। इस तरह विशिष्ट आवश्यकता वाले जो छात्र है वह नए नए आयामों द्वारा नए नए अधिगम के मार्गों द्वारा अधिक शिक्षा में सम्मिलित भी हो सकते हैं और अपना विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर छात्र के वर्तन में कठिनाई हो रही है तब वर्तन में कठिनाई छात्रों के वर्तनी में कठिनाई हो रही है तब उसे पूरा करने के लिए उन्हें कुछ सूचनाओं द्वारा उसे हम पूरा कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई स्नेही उपकरण, जैसे हमें हम कह सकते हैं कि हमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी, हमें सम्मिलित कोई उपकरणों का उपयोग करके हम उसे पूरा कर सकते हैं। उसमें कुछ फ्लैश कार्ड भी आते हैं, छात्रों को विकल्प देकर भी हम
उसका परीक्षण करा सकते हैं, या हम उन्हें एक मौका दे सकते हैं कि उन्हें उनका भाव उसके लिए क्या है। ड्रिल के द्वारा भाषा मास्टर का उपयोग कर सकते हैं। अध्ययन के दौरान हम फ्लैश कार्ड जो है उस फ्लैश कार्ड पर शब्द लिखकर भी हम उनको उससे अवगत करा सकते हैं, या दीवारों पर कुछ शब्द को हम प्रक्षेपित करके हम उन उसमें छात्र को हमारी कक्ष में विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र को कक्ष में हम सम्मिलित कर सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि अगर कक्ष में छात्रों को अनुकूलन कराना है तो उसके लिए हमें अलग अलग माध्यमों द्वारा और उनकी विशिष्ट लक्षणों को आधार रखकर विविध अधिगम के शैली द्वारा हमें हम उसे पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।